अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ माय करंट ऑब्सेशंस वीडियो। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मुझे जो है रिसेंटली पसंद आ रहे हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ स्किन के, हेयर के एंड कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो मुझे आजकल जो है काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। सो विदाउट मेकिंग दिस इंट्रो एनी लॉन्गर, लेट्स गो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट लिप प्रोडक्ट से, जो कि है ये वाला न्यूड शेड। और ये जो है मैं एवरीडे यूज कर रही हूँ ऑफिस के लिए, एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड मार्स। तो ये काफी अच्छा शेड है, 02 जेस्टी जुम्बा नाम है आई थिंक इसका, हाँ जेस्टी जुम्बा नाम है। और ये काफी अच्छा प्रिटी सा न्यूड शेड है, कोई भी कलर का आउटफिट हो आपका उसके साथ ये काफी अच्छे से चला जाता है। एंड गाइज इसका फॉर्मूला इज ऑल्सो रियली गुड, काफी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और शेड रेंज भी जो है इसका काफी अच्छा है। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज इज दिस परफ्यूम फ्रॉम द ब्रांड कार्टन लंडन। और इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी लग्जूरियस पैकेजिंग है। सो आप देख लो, पैकेजिंग इज सो प्रिटी। और ना गाइज इसका जो ये फ्रेगरेंस है इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। फ्लोरल जो फ्रेगरेंस होती है ना वो है, काफी ज्यादा लाइक यू नो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, काफी माइल्ड भी नहीं है, लास्ट करती है आपको काफी लंबे समय के लिए, 7 से 8 घंटा जो है ये लास्ट करती है। एंड आजकल जो है मैं इसे यूज कर रही हूँ, एब्सोल्युटली लव दिस वन। तो अगर आप भी एक अच्छा परफ्यूम ट्राई आउट करना चाहते हो ये समर्स के लिए, तो ये आप ट्राई आउट कर सकते हो। काफी लंबे समय तक आपको ये अच्छा स्मेल कराएगी, एंड कोई ना कोई आपको जरूर पूछेगा कि आपने कौन सा परफ्यूम वेयर किया हुआ है। सो एब्सोल्युटली लव दिस वन। परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मेरा फेवरेट में है ये बायोडर्मा का फेस वॉश। मैंने इसे पिछले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया है, ये नॉन स्पॉन्सर्ड है। तो बायोडर्मा का जो ये फेस वॉश है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आई हैव सेंसिटिव स्किन एंड मेरी सेंसिटिव स्किन के लिए जो है ये प्रोडक्ट जो है काफी अच्छा वर्क कर रहा है। सो दैट्स द रीजन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। तो नेक्स्ट है ये प्रोडक्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। इसकी पैकेजिंग देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैंने जो इसे ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। सो दिस इज वैसलीन का फ्लॉलेस ग्लो सीरम एंड लोशन। तो ये है ना गाइस बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे जो है ना आपको एक फ्लॉलेस स्किन बोल सकते हो, या जो आपकी अनइवन स्किन टोन होती है ना उसे इवन करने में हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी है, नॉन स्टिकी है, काफी अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जरा भी स्टिकी नहीं लगता। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस वन, और मुझे आपके साथ ये शेयर करना था। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है समर एप्रोप्रिएट। काफी ज्यादा गर्मी हो गई है, पसीना बहुत आने लगा है, तो उसके लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है ये सिरोना का अंडर आर्म डिओड्रेंट रोल ऑन। और ये है मेरे पास वेरिएंट सिट्रस शेयर में, ये है मेरा पहला वाला और ये मेरा दूसरा वाला। ये ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो गया है, काफी फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस है, दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस वन। ये जो है ना बॉडी ऑडर को ना रिड्यूस भी करता है और आपके अंडर आर्म्स को जो है ना लाइटन करने में भी हेल्प करता है। और ये ना 4 to 5 hours आराम से आपको ना फ्रेश रखता है, उसके बाद जो है आप इसे रीअप्लाई कर सकते हो। तो ये था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आप देख सकते हो कि आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। तो ये है प्लम्प का बॉडी लविंग बॉडी ऑयल वैनिला वाइब्स में, मैंने पहले भी बताया कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एंड आप देख सकते हो मैंने इसे यहाँ तक यूज कर लिया है। सो दिस इज द वन, स्मेल्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड इसके साथ अगर आप इनका जो वैनिला वाला मिस्ट है वो लगा लो तो काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। सो आई यूज दिस आफ्टर हैविंग बाथ, काफी अच्छा लगता है मुझे ये वाला। नेक्स्ट गाइज अगेन फॉर द समर्स, ये है विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन। तो हम जो है फेस पे तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं बट हम बॉडी की केयर नहीं करते। सो उसके लिए मेरे पास है यहाँ पर ये विश केयर का सनस्क्रीन बॉडी लोशन। तो ये ना गाइज काफी इजी टू यूज है, इस तरीके के फॉर्म में आता है और लोशन फॉर्म में है, तो आप इसे अपनी बॉडी पर लाइक यू नो हैंड्स लेग्स पर इजिली यूज कर सकते हो। सो रियली लाइक दिस वन। और गाइज इसमें है ना UVA एंड UVB प्रोटेक्शन है, SPF 50, PA++ है। तो गाइज ये है ना अमेजिंग प्रोडक्ट है और ये समर्स के लिए आपको डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए। अनदर प्रोडक्ट दैट आई एम एब्सोल्युटली लविंग इज दिस सिरोना का एलोवेरा पोस्ट वैक्स एंड शेव जेल। ये जो है ना काफी अच्छा कूलिंग आपको ना इफेक्ट दे देता है वंस यू शेव, ये काफी अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो अगर आपको जो है वो शेव या वैक्स करने के बाद वो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, तो ये उससे जो है नहीं होंगे,
सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस. सभी प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और सभी का प्राइस भी जो है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी या तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को दे दूंगी. तो गाइज अब चलते हैं सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट पे जो कि है एक आईब्रो प्रोडक्ट. और गर्मियां हैं तो अगर आप पाउडर यूज करते हो तो वो गर्मी में पसीना होने से जो है वो निकल जाता है. सो आई हैव दिस प्रोडक्ट जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था. दिस इज स्वेग आईब्रो कॉन्टोरिंग ब्यूटिफुल आईब्रो प्रोडक्ट. और गाइज ये है इन द शेड टू है आई थिंक इसका शेड. तो ये है ना कुछ इस तरीके के ना ऐसे फॉर्म में आता है एंड आप जो है इसे ऐसे स्ट्रोक्स बना सकते हो. आप इसे लगा के थोड़ी देर छोड़ दो एंड आप इसे ऐसे स्मज करोगे तो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा. तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई एम एब्सोल्युटली लविंग. काफ़ी अच्छी नेचुरल दिखाता है आपके आईब्रोज को. सो आई लव दिस प्रोडक्ट. इसका भी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. लास्ट प्रोडक्ट जो मुझे आपके साथ शेयर करना है वो है ये पिलग्रिम का आर्गन ऑयल हेयर सीरम. तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई है तो मेरे हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए. यस गाइस हेयर डैमेज होते ही है. तो उसके लिए ना आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये आर्गन ऑयल हेयर सीरम फ्रॉम पिलग्रिम. अभी क्या पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने ये यहाँ तक यूज़ कर लिया है. तो ये भी ना एक बहुत ही अच्छा है, इसमें आर्गन ऑयल है तो ये मेरे हेयर को जो वो फ्रिज फ्री बना देता है. स्मेल्स रियली अमेजिंग. और ये ना ऐसे कुछ स्प्रे फॉर्म में आता है तो इट इज़ ईजियर टू अप्लाई. आप हाथ में लगा लो या डायरेक्टली आप अपने हेयर पे स्प्रिट्स कर लो, बट आई प्रेफर यूजिंग ऑन माई हैंड्स एंड देन अप्लाइंग ऑन माई हेयर. क्योंकि डायरेक्ट आप स्प्रे करोगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आपके हेयर पे हो सकता है तो ग्रीसी लगेगा. अदरवाइज आप थोड़ा सा क्वान्टिटी इसका अपने हाथ में ले लो और अपने बालों पर लगा लो तो आपके जो बाल हैं ना काफ़ी अच्छे से शाइनी सिल्की स्मूथ और मैनेजेबल हो जाते हैं. सो लव दिस प्रोडक्ट. तो गाइज ये थे मेरे सारे करंट ऑब्सेशंस जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं अप्रैल मंथ में और पिछले मंथ्स में. तो गाइज मैंने सोचा है मैं अपने मंथली फेवरेट्स जो है आपके साथ शेयर किया करूँ. तो अगर मुझे जो इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं मंथली फेवरेट्स जो है वो आगे भी हर महीने शेयर करने की कोशिश करूंगी. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. सभी का परचेज लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चेकआउट कर लेना. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप करना इस वीडियो को लाइक गाइस और शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के बाद जो मुझे पहला आइकन है उसे भी आपने हिट कर देना है सो दैट मैं कभी भी वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, आप जो है मेरी वीडियोस फटाफट से देख लो. ऑल्सो आपको जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है क्योंकि मेरे जो है होने वाले हैं 10K फॉलोअर्स सुपर सून. तो गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम सो दैट जल्दी से मेरे 10K हो जाए. एंड मैं वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ तो फॉलो मी देयर एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.